सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, वीवो लेके आ गया है अपना जी सीरीज का Z1 Pro, जो बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको ये स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इंडिया में बहुत ही अच्छी प्राइस है और इसकी मेन जो हाईलाइट है वो स्नैपड्रैगन 712, जो इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर के साथ में ये स्मार्टफोन मिल जाए। ऐसा कोई भी स्मार्टफोन नहीं जिसमें आपको ये प्रोसेसर आपको मिल जाए और ये पबजी के लिए बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। तो आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम बात कर ले इस फोन की डिस्प्ले की। तो पहले डिस्प्ले के बहुत ही अच्छी डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पंच होल कैमरा डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है, जो सेम आपको सैमसंग गैलेक्सी M40 में देखने को मिला था वैसा ही सेम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल जाता है, जो वीवो का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको पंच होल कैमरा डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 6.53 इंच की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में 19.59 एस्पेक्ट रेशियो आपको डिस्प्ले मिल जाती है, जो एक IPS LCD स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। हाँ, इसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको पंच होल कैमरा डिजाइन आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई भी नॉच नहीं मिलती, इसीलिए आपको एक बहुत ही वाइड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। और पीछे की तरफ की बात करें तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट की आपको बॉडी मिल जाती है, यानी कि प्लास्टिक की बॉडी डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हाँ, कंपनी ने ऐसा कोई प्रूफ नहीं किया कि इसमें आपको कौन सा आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको डिजाइन के मामले में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसकी मेन जो हाईलाइट है वो चिपसेट की। तो चिपसेट में आपको स्नैपड्रैगन 712 आपको मिल जाता है, जो एक 10nm बेस्ड टेक्नोलॉजी में काम करता है, जो आपको स्नैपड्रैगन 710 है इसका सक्सेसर वर्जन है, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट CPU में किया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑक्टाकोर पावर्ड है, 2.3 GHz पे क्लॉक्ड है, यानी कि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क यहाँ पे ये है कि आपको इसमें आपको एड्रीनो का 616 का आपको GPU मिल जाता है, जो सेम GPU आपको स्नैपड्रैगन 710 में आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस के आपको पबजी जैसे गेम आसानी से आप यहाँ पे खेल सकते हो। तो चिपसेट के मामले में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपको पहला स्मार्टफोन है जो स्नैपड्रैगन 710 के साथ में यहाँ पे मिल जाता है। अब बात आते हैं इसकी रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। तो बताना चाहूंगा इसमें आपको तीन अलग अलग वेरिएंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो पहला जो वेरिएंट है वो 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा जो वेरिएंट है वो 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, तीसरा जो वेरिएंट है वो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ तीन अलग अलग वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा जो इसकी मेन खासियत है, इसका आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने में, आपको 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। और आपको बताने का बहुत ही एक बहुत कंपनी है वो आपको स्किप कर देती है, यहाँ पे आपको एक ट्रिपल स्लॉट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, 256GB तक एक्सपेंशन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसके रियर कैमरा की। तो रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप आपको मिल जाता है। इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी कंपनी आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप आपको नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी लेंस है वो 16MP का है, जिसमें आपको सोनी IMX499 का आपको सेंसर मिल जाता है, बहुत ही अच्छा सेंसर है, वो F1.8 का इसमें एपर्चर मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा है वो 8MP का है, जो एक अल्ट्रा वाइड लेंस है, F2.2 का इसमें एपर्चर मिल जाता है। तीसरा जो कैमरा है वो 2MP का है, जो एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा है बुके इफेक्ट के लिए है, F2.4 का इसमें एपर्चर मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी फ्लैश आपको देखने को मिल जाती है, 4K तक की 13fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 1080p तक की 13-16fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, EIS का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है 1080p तक का, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। आपको EIS का भी ऑप्शन मिलता है, 4K का भी ऑप्शन मिलता है, बाकी जो कैमरा के फीचर्स है वो सभी फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आपको वीवो के फोन में इसका आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात आती है इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा की। तो बता दूंगा इसमें आपको 32MP की सेल्फी मिल जाती है, जो एक पंच होल कैमरा डिजाइन में आपको मिल जाता है, तो आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती, तो आपको अच्छा लुकआउट यहाँ पे मिल जाता है, अच्छी सेल्फी भी यहाँ पे मिल जाती है, F2.0 का इसमें अपर्चर मिल जाता है, 1080p तक की 13fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और इसमें बताना चाहूंगा इसमें आपको AI के सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, AI फेस अनलॉक का भी फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसके बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बताना चाहूंगा इसमें आपको 5000mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, बड़ी वाली बैटरी है और बहुत ही अच्छी आपको बैकअप मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 18W का फास्ट चार्जिंग भी यहाँ पे मिल जाता है, तो आपको बैटरी चार्जिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी फास्ट चार्जिंग एडेप्टर भी यहाँ पे मिल जाता है। दूसरी बात, इसमें आपको एक फोन से दूसरा फोन भी चार्ज कर सकते हो, रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। एज अ पावर बैंक भी आप यूज कर सकते हो इस फोन को, तो ये बहुत अच्छा फीचर यहाँ पे मिल जाता है।
सॉफ्टवेयर में की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो इसमें आपको फन टच ओएस 9 का कस्टमाइजेशन यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर भी आपको लेटेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सॉफ्टवेयर में भी आपको डार्क सिस्टम वाइज डार्क मोड का सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर यहाँ पे वीवो ने इम्प्लीमेंट किया गया है। अब बात आते हैं इसके कनेक्टिविटी सेंसर की, बताता हूँ इसमें नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड देखने को मिल जाता है, 3.5 mm कॉर्ड या जैक मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट मिल जाता है, मैंने पहले बताया इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन डेडिकेटेड यहाँ पे मिल जाता है, दूसरी ब्लूटूथ का 5.0 मिल जाता है, माइक्रो यूएसबी 2.0 यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे अभी तक का 2019 अब मिड आ गया है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट देना चाहिए लेकिन यहाँ पे माइक्रो यूएसबी 2.0 दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो इसका आपको एक कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट आपको मिल जाता है और सभी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन बात आती है इसके कलर वेरिएंट की, तो इसमें आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, मिरर ब्लैक, सोनिक ब्लैक एंड सोनिक ब्लू। ये 3 अलग अलग कलर वेरिएंट बहुत ही अच्छे कलर है, बहुत ही टू टोन कलर आपको मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें, प्राइस है 14,990 रुपए की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। दूसरा वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 16,990 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। तीसरा जो वेरिएंट है वो 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस है 17,990 की प्राइस में ये फोन पड़ेगा। यानी कि सैमसंग गैलेक्सी M40 की प्राइस से भी कम प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। इसकी जो सेलिंग जो स्टार्ट होने वाली है वो 11 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट से, और वीवो की वेबसाइट से आप परचेस कर सकते हो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है आपको एक पंच होल कैमरा डिजाइन यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छी वाइड डिस्प्ले मिल जाती है। दूसरी बात, इसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 712 आपको प्रोसेसर मिल जाता है, जो एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो ये भी परफॉर्मेंस के मामले में जो पबजी वालों के लिए बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पे मिल जाता है। तीसरी बात, इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप आपको मिल जाता है, तो ये भी अच्छा फीचर्स यहाँ पे मिल जाता है। चौथी बात, इसमें आपको फ्रंट फेस सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, यानी कि सेल्फी लवर के लिए भी आपको ये अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पे मिल जाता है। दूसरी बात, इसमें आपको पावर जो बैटरी बैकअप है वो भी बहुत बड़ा मिल रहा है, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, यानी कि आप गेम को बहुत ही आसानी से आप खेल सकते हो और बहुत ही ज़्यादा टाइम तक आप खेल सकते हो। तो ये बहुत अच्छा फीचर यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। और ये बैटरी कम भी हो जाए फिर भी आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि फिर से आप दोबारा आप बहुत ही जल्दी फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी V1 Pro की स्पेसिफिकेशन वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।